नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। रोटरी क्लब नंगल सेंट्रल के नवनियुक्त अध्यक्ष राजेश खन्ना और महासचिव सौरभ शर्मा का ताजपोशी समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। हालांकि इस ताजपोशी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक हरजोत सिंह बैंस ने पधारना था, लेकिन किसी जरूरी काम के चलते वह इस कार्यक्रम में नहीं पहुँच सके। इस कार्यक्रम का आगाज क्लब के असिस्टेंट गवर्नर विनय राजपूत के नेतृत्व में क्लब के अन्य सदस्यों ने दीप जलाकर किया और उसके अपराध निवर्तमान अध्यक्ष दीपक आहूजा के गले से रोटरी कॉलर उतारकर नए अध्यक्ष को पहनाने की रस्म अदा की गई। इस मौके पर क्या कहा क्लब के सीनियर सदस्य जेपी सिंह ने, पहले यह सुने। मैं जेपी सिंह, क्लब के बारे थोड़ा जहा दसना चाहवागा। असि क्लब डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट करते रहते हैं। ऐसी साडा जो प्रोजेक्ट है, मेन टारगेट वो है बच्चों ट्रैफिक बारे अवेयर करना। और ट्रैफिक बारे अवेयर करने लिए असं बच्चों ट्रैफिक साइन जोड़े के होंगे है उन्होंने बारे नॉलेज दे रहे हैं। स्कूलों जाके असं चार्ट लगा रहे हैं जिद ट्रैफिक साइन ट्रैफिक जो नियम है वो बच्चों दसे जाएंगे। ये लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साढ़े नाम चलेगी तो असं कोशिश कर रहे हैं घट तो घट नंगल के 10-12 स्कूलों के ट्रैफिक बारे सारी अवेयरनैस दी जाए, क्योंकि जो छोटे बच्चे है ये छोटी मोपैड छोटा स्कूटर लैके आते हैं, बट इन्हों रोड के रूल बिल्कुल नहीं पता, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। तुम्हें देखा होगा अचानक के राइट साइड लैफ्ट साइड कितने भी मोड़ देंगे, इस करके इन्हों रोड के रूल दस के असी इन्हों एजुकेट करांगे ताकि रोड एक्सीडेंट्स वगैरह जोड़े अवॉइड किए जा सकते। साढ़ा इस साल का मेन प्रोजेक्ट यही है। तो मैं इस साल का रोटरी क्लब वालों चेयरमैन ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट भी इसी काम में रखा है ताकि ट्रैफिक के बारे सारा कुछ मैं एक्टिविटीज कर सकता। सर, ये कोई अवेयरनेस कैंप लगाए जाएंगे या स्कूलों के जाके बच्चों को कुछ दसा जाए? ये असं की कर रहे हैं मैं तुम्हें दसदा। इस एक तो स्कूल के कॉलेज जाके असं दसांगे सारे, ये असं ट्रक यूनियन के उत्ते भी जाके असी अपना ट्रक ड्राइवर्स ये बारे एजुकेट करांगे। टैक्सी स्टैंड पर जाके उत्ते भी असी चार्ट लगा के ये बारे उन्होंने एजुकेट करांगे। फिर एक होर जरा के प्रोजेक्ट असी रिफ्लैक्टर लगाने हैं, जो कि एक जिस तरह तुम देखा घोड़ा रेड़ा वगैरह जो इस तरह चल रहे होंगे इन पिछे कोई रिफ्लैक्टर नहीं होंगे, जिस तरह अच्छा छोटिया छोटिया रेहड़िया मोटरसाइकिल वाली रेहड़िया बना रखी हैं इन्हें पिछले कोई रिफ्लैक्टर नहीं होंगे, इन्हें पिछले रिफ्लैक्टर लावे तो ट्रैक्टर ट्रालिया के पिछले रिफ्लैक्टर लाने। तो साडा यह भी टारगेट है कि सारे रिफ्लैक्टर लगा के रात के आने वाले एक्सीडेंट वो रोके जा सकन। एक होर बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट जरा कि अज ही डिकलेयर किया वो है रिफ्लैक्टर जो है पशुओं के गले च पाना। पशुओं के गले के जरिए जिस तरह आवारा गावं घूम रही होंगे वो भी एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारण बन रही है। एक रिफ्लैक्टर टैग हैगा जरा कि रात को शाइन करेगा तो वो असी हर गावं के जरिए आवारा गावं घूम रही होंगी है असी कोशिश करा भी उन्होंने गले च पाया जाए ताकि वो रोड एक्सीडेंट ना कि पशु नुकसान पहुंचे तो ना किसी रोड के उत्ते हो रहे हादसा हो जाए। इस ताजपोशी समारोह के चेयरमैन डॉक्टर संजीव गौतम ने क्या कहा, सिटी हलचल से बात करते आप भी सुने। सर, रोटरी दुनिया का सब तो लार्जेस्ट एक एनजीओ है जिहड़ा लोगों के वास्ते जिथे जरूरत होंगी उत्थे हर समय खड़ा है। परमात्मा ने इन्हां साधन संपन्न लोगों को एक बड़ी बुद्धि दी है जिहदे करके जिथे नीडफुल लोगों को जरूरत होंगी उत्थे मदद करते, जिथे दुनिया के गरीब बहुत ने उत्थे अमीर लोग भी बहुत ने। एक अमीर लोगों की संस्था है जिहड़े लोग अपने को जेब तो पैसे दे करके लोगों की मदद करते हैं। अज इस फंक्शन के विशेष गल जी जो मेरे ध्यान पे सी आप प्लांटेशन का किया, असी 100 दरख्त लैके आए हैं। असी लोगों को आह्वान किया कि रोटरी जिते लोगों की फिजिकली और फाइनैशियली मदद करता उत्ते एनवायरमेंट को भी साफ रखने वास्ते अब का जो सा मेन मकसद से और प्लांटेशन का भी किया। और रोटरी के जोड़े साढ़े नवे प्रधान बने हुए राजेश खन्ना जी उन्होंने इस फंक्शन दिया बहुत बहुत मुबारक, बड़े मेहनत दर्शन हो गए और पिछले जो प्रधान से उन्होंने भी काफ़ी काम किया भी ज़्यादा अगर काम कर पिंड ले हाँ जोड़ा एक असल तो रोटरी किसी एक पिंड में अडोप्ट कर दी होंगी है जिद पिंड के बेटा इन्होंने अडोप्ट किया। उस पिंड के स्कूल के लोगों जो बच्चों के कैंप लगाएंगे नाल उत्थे प्लांटेशन का व्यू है, कोई भी रोटरी वालों आंदा है फंक्शन कम तो उस पिंड जिन्होंने अडोप्ट किया जाता वो करते हैं। सो अज के दिन दिया बहुत बहुत मुबारक सारे रोटरी मैंबर। इस मौके पर रोटरी क्लब सेंट्रल के नए बने अध्यक्ष राजेश खन्ना को भी सुने,
उन्होंने सिटी हलचल से बात करते क्या कहा। सब तो पहला अज असिस्टेंट गवर्नर हो बाकी क्लबों को आए हुए मैंबर सवान का मैं कह दिनों शुक्रगुजार हाँ। उस तो बाद प्रिंट मीडिया प्रेस उन्हों का भी शुक्रगुजार हाँ। रोटरी हर टाइम सोशल कार्यक्रम हर टाइम तत्पर रहा है। असी हर साल नवे तो नवे प्रोजेक्ट करते आए हाँ। कोविड के भी असी बहुत प्रोजेक्ट किए है। इस साल भी असी ट्री प्लांटेशन डिस्ट्रीब्यूशन बुक्स सैनिटरी जो जो भी आइटम हो दिन दिन हर टाइम तैयार रही हैं। बाकी जेपी जी साढ़े मार्शल जी है तो इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस के पिता सोहन सिंह बैंस आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सोनी विकास वर्मा बीबीएमबी के मुख्य अभियंता सीपी सिंह उप मुख्य अभियंता हुसैन लाल कम्बोज के अलावा क्लब के सदस्य निशांत शर्मा जे के बालिया डॉक्टर आर एस हेमकी डॉक्टर आर एल शर्मा मोहित राणा नरेंद्र भोला खालसा कॉलेज श्री आनंदपुर साहब के प्रिंसिपल जसवीर सिंह डॉक्टर कंग नितिन सदभानी वरुण दीवान अरुण सोनी विशाल शर्मा सिमरिंदर सिंह करण सोनी इत्यादि भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट। श्री धनवंतरी आयुर्वेदिक औषधालय एवं प्रसूति गृह नंगल भलान रोड गोलहनी आपकी सेवा में दिन रात हाजिर है। यहाँ हर बीमारी के उपचार के अलावा 24 घंटे इमरजेंसी सेवा एक्सरे ईसीजी लैब फोटोथेरेपी एनआईसीयू पीआईसीयू माइनर मेजर सर्जरी डिलीवरी प्राइवेट रूम की सुविधा उपलब्ध वह भी काफी कम दामों पर। हमारे यहाँ उन जरूरतमंद लोगों का निशुल्क उपचार किया जाता है जो पैसे देने में असमर्थ हो। इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर राम सिंह फोन नंबर 9872318223 डॉक्टर प्राची जगोता बीएमएस एंड डाइटेशन 8350811600। अजोली मार्केट में खुल गई है चश्मों की नई दुकान वशिष्ठ ऑप्टिकल। यहां आपको मिलेंगे हर तरह के ब्रांडेड चश्मे वो भी बाजार से काफी कम दाम पर। नजर के चश्मे लगवाने वालों की नजर पहले अति आधुनिक मशीनों से निशुल्क जांच करने के उपरांत ऑटोमेटिक मशीनों से तैयार चश्मा चंद मिनटों में ही उपलब्ध करवाया जाता है। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता नोट करें वशिष्ठ ऑप्टिकल नंगल संतोषगढ़ मुख्य मार्ग निकट गोल्डन पैलेस अजोली मोड जिला उन्ना। हमारा फोन नंबर 99155 84190।